बहुत बड़ा दिन है। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है, वोटिंग का दौर जारी है। ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं। आज तक जितना वोट में नहीं जीता उतना वोट में मैं जीतूंगा। 7 बजे से मतदान हो रहा है, मैसेज है कहीं ना कहीं उन मतदाताओं के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। बारा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें दे। नमस्कार, मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप और आज सरकार चुनने का दिन है, आज जनता का दिन है, आपका दिन है। देश की सरकार चुनने के लिए अब बारी जनता की है, प्रधानमंत्री चुनने की बारी जनता की है। और मध्य प्रदेश में अब तक 44.43% मतदान हो चुके हैं और बालाघाट की अगर बात करें तो बालाघाट में लगभग 53% वोटिंग हुई है, छिंदवाड़ा में 50% मतदान लगभग हुए हैं, जबलपुर की बात कर ले तो जबलपुर में 40% मतदान और मंडला में भी 50% वोटिंग अब तक हो चुकी है। वहीं शहडोल की बात करें तो शहडोल में लगभग 41% वोट डाले गए हैं और सीधी में 35% वोटिंग हुई है। और छत्तीसगढ़ जिसकी एक सीट पर बस्तर पर चुनाव हो रहा है, वहां पर अब तक 42.57% वोटिंग हुई है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें और अब तक की अपडेट बता दें, क्योंकि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 6 सीटों पर वोटिंग हुई है। और अगर इन 6 सीटों पर अगर बात कर ले तो अब तक कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 44.43% मतदान यानी लगभग 45% मतदान होने के कगार पर है, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो बालाघाट में हुई है। बालाघाट में 53% मतदान अब तक हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब तक 44.43% मतदान हुए, बालाघाट में सबसे ज्यादा मतदान। वहीं छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि वो कमलनाथ का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़, और वही एक सीट है जो अभी कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के पास ये एक सीट है और यहाँ पर हॉट सीट पर अब तक 50% लगभग मतदान हुए हैं। और ऐसे में अभी रिपोर्टर्स का रुख करेंगे और हमारे संवाददाता जबलपुर से दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं और दूसरी ओर छिंदवाड़ा से अंचल शुक्ला भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं छिंदवाड़ा का रुख करना चाहूंगी। अंचल, आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन है और शुरुआत हो गई है, और ऐसे में जब छिंदवाड़ा की बात होती है तो हॉट सीट है। विवेक बंटी साहू को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि नकुल नाथ ने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, वो 5 काम भी नहीं कर पाए। फिलहाल क्या माहौल है वहां पर, वहां की जनता कितनी उत्साहित? अच्छा, अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे अंचल शुक्ला से, कुछ टेक्निकल इशू है। फिलहाल मैं रुक करूंगी जबलपुर दुर्गेश का। दुर्गेश, जबलपुर की अगर बात कर ले तो अब तक लगभग 40% मतदान वहां पर हुए हैं, क्या उत्साह है जनता में वहां पर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए 40% तकरीबन मतदान जबलपुर में हो चुका है 1 बजे तक का। अभी 3 बज रहे हैं, यानी कि 2 घंटे में उम्मीद है कि तकरीबन 10% का इजाफा होना चाहिए, लेकिन उम्मीद कम इसलिए भी है क्योंकि देखिए तापमान तकरीबन 38 से 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और इतनी भीषण गर्मी में अभी लोगों का निकलना जो है जिस रफ्तार से हमने सुबह देखा था वो बहुत कम हो गई। मैं तस्वीरें यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो मतदान केंद्र है, मैं ये बेहद पौसला के मतदान केंद्र में हूँ और यहीं पर सुबह लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है मतदान केंद्र पर, 1-2 लोग आते हैं और फिर वोट डालकर चले जाते हैं और ये सिलसिला तकरीबन 1 बजे से अभी जब तक हम बातचीत कर रहे हैं प्रतिज्ञा तब तक जारी है। इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं, वजह साफ है, मौसम बहुत तेज गर्म है। आज तापमान सामान्य से मैं कहूंगा कि अंदाज लगा रहा हूं तकरीबन 38 से 40 डिग्री का तापमान इस समय चल रहा है। अब ऐसे में उम्मीद है कि 4 बजे के बाद, यानी कि जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मौसम, तब एक बार फिर लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अभी मैं ज़रूर ये दिखाऊंगा तस्वीरें कि लोग जो हैं वह आ रहे हैं वोट डालने के लिए, मतदान के लिए। एक मिनट भाई साहब, आप वोट डालने के लिए आए हैं? हाँ जी,
बिल्कुल डाल दिया वोट आपने? नहीं, अभी डालने जा रहे हैं सर। तो धूप बहुत तेज है इसलिए लोग कम निकल रहे हैं? हाँ जी जी, हाँ जी, आपने हिम्मत कर ली लेकिन धूप में। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल प्रतिज्ञा, तो देखिए यही स्थिति है हर जगह की, जो लोग आ रहे हैं मतदान करने। देखिए एक और यहाँ पर परिवार खड़ा हुआ है, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा बातचीत करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि धूप ज़्यादा है, शायद इसी वजह से थोड़ा सा कम हो गई भीड़। जी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सन हीट चल रहा है एक्चुअली अभी इस वक्त, इसलिए इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन आपने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल। तो लोगों को भी अपील करेंगे वो भी आए? बिल्कुल, उनको सारे काम छोड़कर सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। आखिर आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, लोगों को जागरूक करने में आपकी भी विशेष भूमिका है। थैंक यू सर, हमको हमारे लिए बोलने के, लेकिन हमारा काम है हम करेंगे। लेकिन आप लोग भी आए, मैम आप भी आई हैं धूप में जी, अभी समय निकाल पाए? हाँ, लेकिन आ गए वोट डालने जी। बिल्कुल, तो देखिए ये लोग आ रहे हैं धीरे धीरे सही, लेकिन लोग आ रहे हैं और यही वजह है कि अगर जबलपुर की हम बात करते हैं तो जबलपुर में जितनी विधानसभा सीटें हैं 8, उसमें से 7 कांग्रेस के पास है और केवल एक सीट जो है, माफ कीजिएगा, 7 बीजेपी के पास और एक कांग्रेस के पास है। तो क्या लगता है अब किस क्या रुख है, हवा का रुख क्या है, वोटर्स किसको ज्यादा वोट दे रहे हैं? क्योंकि लोग आ रहे हैं मतदान कर रहे हैं लेकिन बीजेपी वहां पर ज्यादा अभी जगहों पर है विधानसभा में। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए ये स्थिति है, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जबलपुर वो सीट रही है जो बीजेपी के लिए एक गढ़ का काम करती है। जैसे कि हम छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लिए बोलते हैं, कुछ इसी तरह के हालात जबलपुर के लिए भी है। 96 के बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बड़े बड़े दिग्गज उतरे लेकिन बीजेपी को नहीं हरा पाए और यही एक कॉन्फिडेंस की वजह है बीजेपी। अब विधानसभा चुनाव के परिणाम भले ही कांग्रेस के, छिंदवाड़ा से अंचल शुक्ला लाइव जुड़े हुए हैं। अंचल, छिंदवाड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश की हॉट सीट है और लगभग 50% मतदान वहां पर अभी हुए हैं, लेकिन फिलहाल लोगों में कितना उत्साह है और क्या माहौल है वहां पर? अंचल से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अभी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन फिलहाल अब जबलपुर का फिर से एक बार मैं रुख करूंगी। और दुर्गेश जैसा बता रहे थे कि जो 8 सीटें हैं वहां पर विधानसभा की, 7 जगह पर बीजेपी है और सिर्फ एक कांग्रेस के पास है। अब मध्य प्रदेश की बात तो हम करते ही रहेंगे और लगातार कर रहे हैं क्योंकि 6 सीटों पर मतदान है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भी एक सीट, बस्तर सीट, नक्सल प्रभावित वो सीट जहां पर मतदान पहले चरण में हो रहा है। और अनमोल तिवारी वहां से लाइव जुड़ गए। अनमोल, छत्तीसगढ़ में क्योंकि मतदान जो है वो बस्तर में हो रहा है, नक्सल प्रभावित इलाका, फिर भी लोगों में जो उत्साह है वो गजब का है, फिलहाल क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, आपने बहुत सही बात कही कि जो जगदलपुर इलाका है और अगर मैं पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र की बात कर लूँ तो ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और इसमें बहुत सारे जो मतदान केंद्र हैं वो अति संवेदनशील है, यानी कि नक्सल प्रभावित है। इसके बावजूद जो है सुबह से लोगों का रुझान जो है मतदान के प्रति बहुत अच्छा देखने को मिला है। मैं अभी इस वक्त जगदलपुर शहर के एक मतदान केंद्र पर हूँ, यहाँ देखिए तमाम बहुत सारी महिलाएँ आपको नजर आ रही होंगी, ये अभी मतदान करने आई थी, सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम आप कितने दूर से आई हैं? मैं 2 किलोमीटर से आई हूँ पैदल। और मतदान मतलब मैं एक हाउसवाइफ हूँ, टाइम निकाल के मैं इधर आई हूँ। कृपया करके जो लोग नहीं आए हैं वो भी अपना मत आके दें। देखिए ये निवेदन भी कर रही हैं, इतनी जागरूक महिला है कि जो लोग अभी तक घरों से नहीं निकले वो भी आए। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैं पत्रागुड़ा यहीं से आई। ये बताइए कि आप जैसे गृहिणी के लिए, जिनको घर में इतना सारा काम होता है, दिन भर बच्चे हो गए, पति ऑफिस जाते हैं, उनको टाइम निकाल कर मतदान आना कितना चुनौती होता है? बहुत ज्यादा, लेकिन आना पड़ेगा ना इसके लिए। आना पड़ेगा? हाँ जरूर आना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि देश भविष्य। और जो नहीं आए उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी जबरदस्ती आना, घर छोड़ के, काम धाम छोड़ के आना पड़ेगा। काम धाम छोड़कर जरूर आइए क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और प्रतिज्ञा बड़ी बात है, बस्तर में मैं हूँ, बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में हूँ, ये नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन लोग जो है लोकतंत्र के महापर्व में बहुत ही अच्छे तरीके से शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये वही त्योहार है जो देश को मजबूती प्रदान करता है। जी प्रतिज्ञा, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत है। अनमोल लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जगदलपुर से, कि किस तरह लोग सारे काम को छोड़कर और खुद भी वोट डालने आ रहे हैं और दूसरों से अपील भी कर रहे हैं कि आप जरूर आए और वोट डालें। अब ऐसे में एक बार फिर मैं रुक करूंगी छिंदवाड़ा का। अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल,
छिंदवाड़ा हॉट सीट है और यहाँ पर नकुलनाथ का गढ़ कमलनाथ का गढ़ है ये। और विवेक बंटी साहू ने कहा कि 5 साल में 5 काम भी नहीं किए नकुलनाथ ने, लेकिन फिर भी छिंदवाड़ा विधानसभा में 7 की 7 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास ही है, पूरी की पूरी सीट। तो अभी क्या लोकसभा में क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा? प्रतिज्ञा देखिए, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जनता के मतदाता के मन की बात आप नहीं जान सकती। मतदाता जो है वो बहुत समझदार हो चुका है और वो वोट करने जाता है और वोट पड़ती है वोट में, इसलिए आप उसको उसके मन को नहीं पकड़ सकते हैं। नतीजे ही बताएंगे कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो आखिर उस किसे मताधिकार दे रही है, किसे अपना जनादेश दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष के आरोपों के अलावा तो यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व साफ तौर पर दिखाई देता है और अभी जो वोटिंग प्रतिशत है उसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकती हैं प्रतिज्ञा कि यहाँ का वोटर कितना अपने वोट को लेकर के संवेदनशील है, वो घरों से निकल रहा है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिन 6-7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें छिंदवाड़ा का वोट प्रतिशत सबसे बेहतर भी है। तो ऐसे में नतीजे, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 82% मतदान हुए थे और इस बार जन जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए गए, लोगों के पास जा करके और वोट करने की अपील भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मतदान हुए थे तो इस बार 86% का लक्ष्य रखा गया है, तो क्या लगता है उसके कितने करीब पहुंच जाएगी छिंदवाड़ा की जनता? क्या 86% का जो लक्ष्य है उतनी वोटिंग हो पाएगी वहां पर? देखिए, अभी लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय शेष है जब मतदान होने हैं और जो भी मतदान केंद्र में पहुंच जाएंगे उसकी एक सीमित दायरा है, उस तक अगर जो लोग पहुंच जाएंगे उन्हें मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अभी मतदान केंद्रों में इक्का दुक्का लोगों का आना शुरू हो गया है, अब शाम का वक्त है। हमेशा ऐसा देखा गया है जब भी मतदान होते हैं तो सुबह जब मतदान शुरू होते हैं 2-3 घंटे तक उस दौरान, और इसके बाद बीच में थोड़ी सी गति धीमी जरूर पड़ती है, लेकिन दोपहर के बाद नजर बना के रखिए। आपके पास फिर से लौटूंगी, लेकिन बस्तर से जो प्रत्याशी है बीजेपी के महेश कश्यप, उनसे सीधी बातचीत हो रही है, तो क्या कुछ उनका कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। तो बस्तर से बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप वोट डालने पहुंचे थे और यहां उनके पूरे परिवार ने वोट डाला है। इस मौके पर उन्होंने विस्तार न्यूज के बस्तर संवाददाता अनमोल तिवारी से बातचीत की है और महेश कश्यप ने जीत का दावा किया है। देखिए, बस्तर से जो भाजपा के प्रत्याशी है महेश कश्यप वो मतदान कर चुके हैं और अब वो फिर हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं। मतदान आप कर लिए हैं, लोगों से क्या आप अपील करेंगे? देखिए, बस्तर के सभी मतदाताओं, माता बहनों को मैं और पिता भाइयों को मैं आह्वान करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में, लोकतंत्र का महापर्व में अपना 100% मतदान करें। सभी लोग मतदान करें, पूरा भरोसा है कि सभी लोग मतदान करेंगे और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को मुझे महेश कश्यप के रूप में, सांसद के रूप में जरूर बनाएंगे, लेकिन मोदी जी के को भी सांसद बना, प्रधानमंत्री बनाने में योगदान होगा, इसलिए सभी लोग अपना अपना मतदान का अधिकार। कितने चुनौती कवासी लकमा? कोई चुनौती नहीं है कवासी लकमा, आप 4 तारीख के बाद पता चलेगा कवासी लकमा क्या है। देखिए, ये भाजपा के प्रत्याशी है महेश कश्यप जो कलचा बूथ पर जो है वोट करने पहुंचे थे पूरे परिवार के साथ और अब यहां से रवाना हो रहे हैं। वो क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग बूथ पर जाएंगे और जायजा लेंगे कि किस तरीके से जो है चुनाव किए जा रहे हैं। राजेंद्र भारद्वाज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो अनमोल तिवारी ने महेश कश्यप से बातचीत की है, तो अनमोल से ही सवाल कर लेती हूँ। अनमोल, महेश कश्यप से आपने बात की, कितना आत्मविश्वास उनके अंदर नजर आया? उनके सामने कवासी लखमा है और बस्तर जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में है फिलहाल। देखिए प्रतिज्ञा, मैं 2 से 3 दिनों से जो है बस्तर में हूँ और मैं महेश कश्यप से जो है लगातार बातचीत कर रहा हूँ। आज भी मैंने उनसे बातचीत किया जब वो सुबह में मतदान करने पहुँचे थे, माफ कीजिएगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनौती तो है ही नहीं हमारे लिए, कवासी लखमा को कौन वोट देगा, भ्रष्टाचार में लिप्त है कवासी लखमा। इस तरह के बड़े बयान उन्होंने सुबह में दिए जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा है, मुझे तो सांसद बनाई। देखिए प्रतिज्ञा, मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मुझे तो जनता सांसद बनाई लेकिन साथ में मोदी जी का जो है हाथ वो मजबूत करे। तो आप इस बात को समझिए कि मोदी जी का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, ये वही चेहरा है जिसके दम पर जो है
सारे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो मैदान में उतरे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी के जो जो जनता के बीच में एक मोदी का जो फेस है वो एक किस तरीके से उनके लिए जो है लाभदायक हो सकता है। यही वजह है कि जब प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, अलग 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 क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरे को जरूर बयां कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को जरूर बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे का विजन क्या होगा। तो इस तरीके से महेश कश्यप जो है खुद तो बता ही रहे हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जो उनका जनता का साथ जो है उनके साथ है। तो ये रणनीति है। वहीं कवासी लखमा की अगर बात कर लूं मैं, अनमोला बयान की बात कर रहे थे, तो ये हम भूल नहीं सकते कि कवासी लखमा ने जो भी बयान दिए क्या उसका असर भी वहां पर दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं लगातार, तो उसका असर कितना दिख रहा है, लोग वहां के किसके समर्थन में हैं इस बार? बिल्कुल, देखिए चुनाव से ठीक पहले जो है बहुत अफरा तफरी मची छत्तीसगढ़ की राजनीति में। कवासी लखमा का बयान आपको याद होगा जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके पहले जो नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ के चरण दास महंत, उन्होंने लाठी उठाने की बात कही। तो इन तमाम तरीके के जो बयान आए थे चुनाव से पहले, अब आप जो कह रही हैं ना कि कितना प्रभावित करेगा, देखिए वोटर जो है ना बहुत चालाक है, खुलकर कभी भी वो कुछ नहीं बोलता है। जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे अभी दुर्गेश, कि वोटर जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, साइलेंट वोटर जिसे भी हम कहते हैं, वो खुलकर कैमरे पर भले ही कुछ बात नहीं कहते हैं लेकिन उनके मन में सब रहता है, वो सब याद रखते हैं। जनता के मन में सब होता है, जनता जनार्दन होती है और जनता ही फैसला 4 जून को सुना देगी। आपके पास फिर वापस लौटेंगे अनमोल, लेकिन तब तक आपको एक और खबर बता दे, बीजापुर जिले में सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान हो रहा है और अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी मतदान को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है। बीजापुर के मतदान केंद्रों का जायजा लिया हमारे संवाददाता युकेश चंद्राकर ने। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये बीजापुर जिला मुख्यालय का हृदय स्थल है और ये सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 63 है। इन तस्वीरों को देखिएगा, इस समय ये मार्केट खाली है, ये सड़क लगभग सूनी है, जबकि बाकी के दिनों में ये मार्केट भरी रहती थी, यहाँ लोगों की आवाजाही अधिकतर देखी जाती थी। यानी कि मतलब साफ है कि मतदान केंद्रों में मतदाता जा रहे हैं, वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अभी जिन जगहों से मैं वापस लौटा हूँ, वो जगह माओवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। केतुलनार, जहाँ पर 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान दल जो वापस लौट रहा था, उसको माओवादियों ने बम ब्लास्ट करके एक बस को उड़ा दिया था, जिसमें 7 मतदान कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा रानी बोदली, जहां पर 2007 में माओवादियों ने पेट्रोल बम से 55 जवानों को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया था, वहां पर भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बीजापुर जैसे अति माओवाद प्रभावित क्षेत्र में इस तरह से मतदान होना लोकतंत्र की सुंदरता को वाकई बढ़ाता है। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़, बीजापुर। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उमरिया से, जहां उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन के साथ ही उमरिया पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने मतदान किया है, साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। व्यवस्थाएं तो आप देख ही रहे हैं कि सभी जगह व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी की गई हैं और सुबह से ही मतदाताओं का रुझान काफी अच्छा दिख रहा है। हर मतदान केंद्र पर मतदान चालू हो गया है और सभी जगह मॉक पोल भी विधिवत कंप्लीट करा लिया गया था और सभी मतदाता काफ़ी उत्साह में हैं और बहुत अच्छा मतदान करेंगे। का जो पर्व है, जिसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस एवं आम जनता ने इतनी मेहनत से काम किया है लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वो अपना वोट ज़रूर कास्ट करें और हमारी डेमोक्रेसी को डीपन करें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उमरिया से, जहां पर उमरिया के जो कलेक्टर हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप आइए और मतदान कीजिए, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है, उसकी शुरुआत हो गई और लोगों में उत्साह भी काफी देखा जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा दिन होता है मतदान करने का दिन, आप अपनी सरकार खुद ही चुन सकते हैं और ऐसे में ये अपील लगातार की जा रही है कलेक्टर पुलिस अधीक्षक की तरफ से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान
मतदान कीजिए। और ऐसे में आपको बताएं कि 21 राज्य के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान है, मतलब लगभग 18% मतदान पहले चरण में होना है। और ऐसे में हर जगह अपील की जा रही है लोगों से कि आप घरों से बाहर निकले और जाके आप मतदान करें। अब आपको ले चलेंगे शहडोल, जहां से हमारे सहयोगी अजय नामदेव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो शहडोल से अजय नामदेव, अजय शहडोल की अगर बात कर ले तो 41% मतदान वहां पर अब तक हुआ है। अगर हम वहां की तस्वीरें आप दिखाएं तो क्या वहां पर 41% बहुत कम नहीं है ये आंकड़े मतदान के लिए? क्योंकि अगर हम वही दूसरे अगर लोकसभा में देखें तो वहां ज्यादा मतदान हुआ, बालाघाट में 53% मतदान हो चुके हैं, तस्वीरें क्या है वहां से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शहडोल में सुबह जो है लोगों का उत्साह दिखा था, मतदान को लेकर के अच्छा खासा उत्साह दिखा था, खास करके महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी। लेकिन अभी लगभग 3:30 बजने जा रहे हैं और अभी जो है मतदान का जो असर जो है, मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, गर्मी के कारण ऐसा हो सकता है, मतदान जो है मतदान केंद्र सूने पड़े हुए हैं, इक्का दुक्का लोग ही मतदान करने आ रहे हैं। मैं जैसे अपने कपड़े कैमरामैन साथी को बोलूंगा को दिखाएं, देखें लोग जो है अभी बिल्कुल भी यहाँ पे एकदम बिल्कुल सूना पड़ा हुआ, इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि शहडोल की अगर तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, बिल्कुल भी यहाँ पे जो है बिल्कुल इक्का दुक्का लोग ही मतदान करने पहुंच रहे हैं और 3 बजे तक लगभग 50% मतदान हुआ है, लगभग 50%, तो उस दृष्टि से अगर देखें तो बहुत कम मतदान हुआ है। जी अगर हम बात कर ले शहडोल की तो हिमाद्री सिंह के सामने फुंदेलाल मार्को हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है इस बार जनता किसको सपोर्ट कर रही है, हिमाद्री सिंह को या फिर फुंदेलाल मार्को को? आपने बात की होगी लोगों से, लोगों की का क्या रुख है, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? हमने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट किया, उसमें ये चीज निकल के आई है कहीं ना कहीं एक बार जो है फिर लोग जो है हिमाद्री पर भरोसा जता रहे हैं और हिमाद्री को चुनकर एक बार पुनः दिल्ली भेजने की तैयारी में। अगर फुंदेलाल की बात करें तो 3 बार के विधायक रह चुके हैं फुंदेलाल, फुंदेलाल का जो है जनाधार इस क्षेत्र में नहीं दिखता, जहां के वो प्रॉपर जहां के अभी विधायक है उस क्षेत्र में उनका जनाधार दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा को शहडोल से बढ़त मिलती दिख रही है। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे अजय, लेकिन अभी सीधी का रुख कर लेते हैं जहां से विवेक तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विवेक, अगर हम बात कर ले सीधी की तो सीधी से क्या तस्वीरें आ रही है, वहां सबसे ज्यादा कम मतदान हुआ है, जबकि अगर मध्य प्रदेश में देख ले तो बालाघाट में 53%, छिंदवाड़ा में लगभग 50%, वहां सबसे कम मतदान सिर्फ 35%, आखिर क्यों, क्या तस्वीरें है वहां की? हो गए लाइन देखने को मिल रही थी, वो धीरे धीरे वो भीड़ जो थी, वो जो धीरे धीरे संख्या थी वो कम होने लगी। आपको बता दें कि जिस तरह माहौल बनना शुरू हुआ था कि लगातार लोगों का पहुंचना शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे कम हुआ और अब जैसे जैसे धूप कम हो रही है, शुरुआत में जब धूप बढ़ने लगी तो लोगों की संख्या भी कम हुई, लेकिन अब जब धूप कम होने लगी है तो तब लोगों की एक बार फिर संख्या बढ़ने लगी है, लगातार लाइनें लगना शुरू हो गई। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग मतदान करके बाहर निकल रहे हैं, यानी कि अब जैसे जैसे धूप कम हुई है और लोग अपने कामों से आ रहे हैं तो फिर से मतदान की जो कतारें हैं वो बढ़ रही हैं, लोगों की संख्या बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि अभी 6 बजे तक मतदान होना है, एक बार अभी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए, और आपका भी अजय बहुत बहुत शुक्रिया। और लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान पूरे हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 सीट और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं और मतदाताओं के साथ ही प्रत्याशियों ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है। तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखाएं जो बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी है वो उन्होंने मतदान किया, वोट डाले हैं। हिमाद्री सिंह की पहली तस्वीर शहडोल से आ रही है, अगली तस्वीर शहडोल से ही फुंदेलाल मार्को की तस्वीर है, ये दोनों ही एक बीजेपी प्रत्याशी और एक कांग्रेस प्रत्याशी है शहडोल से। वहीं सीधी की बात कर लें तो कमलेश्वर पटेल और राजेश मिश्रा की तस्वीर सामने आई है, दोनों सीधी से प्रत्याशी है, एक कांग्रेस प्रत्याशी और एक बीजेपी प्रत्याशी। अगली तस्वीर आपको एक बालाघाट से दिखाएं भारतीय पार्टी की, और उनके सामने बालाघाट से तस्वीर है सम्राट सारस्वत की, तो ये दोनों ही प्रत्याशी हैं। और अगली तस्वीर मंडला की बीजेपी प्रत्याशी
फग्गन सिंह कुलस्ते मतदान करने पहुंचे थे, ओमकार सिंह मरकाम मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी हैं और ये भी यहां पर वोटिंग करने पहुंचे थे। तो ये 8 तस्वीरें आज सुबह से अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और जहां सभी लोग वोटिंग करने पहुंचे और इस वोटिंग के दौरान जो प्रत्याशी है वो भी मतदान करने पहुंचे हैं और सबके मन में उत्साह है। अब वोटिंग के बीच नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के 4 वरिष्ठ नेताओं को जान से मारने की धमकी मिली है। मंत्री केदार कश्यप के करीबियों को मौत की सजा देने का फरमान नक्सलियों की तरफ से दी गई है ये धमकी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक ओर जहां मतदान पहले चरण का मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, ऐसे में नारायणपुर में बीजेपी के 4 वरिष्ठ नेताओं को जान से मारने की धमकी दी गई है और मंत्री केदार कश्यप के करीबियों को मौत की सजा का फरमान मिला है और नक्सलियों की तरफ से ये धमकी दी गई है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संजय ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, केदार कश्यप के करीबियों को मौत का फरमान, अभी हाल ही में जो तस्वीर निकल कर आई थी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ था, क्या इसकी वजह से ये धमकी मिल रही है? देखिए, ये धमकी इसलिए गंभीर है, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के वक्त जो है जयराम दुबे जो कि बीजेपी नेता थे और केदार कश्यप के खास थे, उनकी नक्सलियों ने बीज बाजार हत्या कर दी थी, वो प्रचार करने निकले हुए थे। ऐसे में एक बार फिर से केदार कश्यप के करीबियों को यहां धमकी दी गई है जिसमें बीजेपी के नेता जयप्रकाश शर्मा, संजय तिवारी, गुलाब बघेल और शांतनु दुग्गा शामिल है। नारायणपुर ऐसा इलाका है जहाँ लंबे समय से नक्सलियों का जो है मजबूत गढ़ रहा है इलाका, और इस इलाके में प्रचार के दौरान ही कई बार नक्सली बीजेपी नेताओं पर हमला कर चुके हैं। ऐसे में ये धमकी काफी गंभीर हो जाती है। आपको याद दिला दूं, केदार कश्यप के भाई उनकी भी हत्या नक्सलियों ने की थी इसी तरह से। तो ये जो इलाका है ये इलाका नक्सलियों के प्रभाव के इलाके और जब इस तरह की धमकी दी जाती संजय, धमकी दी गई जब इस तरह की, तो पुलिस प्रशासन का क्या रुख है, क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, अभी ये पर्चा जो प्राप्त हुआ है हमें जिसके द्वारा जो है ये जानकारी मिली कि नक्सलियों ने इस तरह की धमकी दी है, हालांकि पुलिस ने अभी इस पे क्या एक्शन लिया इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आम तौर पर इन इलाकों में अगर किसी व्यक्ति को धमकी दी जाती है तो उसे पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो अभी फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि जब इस तरह की धमकी नक्सली द्वारा दी गई है तो ये जो नेता वहां है जो इस वक्त चुनाव प्रचार पे निकले होंगे या वो अभी वोट देने निकले होंगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और क्योंकि इलाका काफी संवेदनशील है तो वाकई पुलिस प्रशासन इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल संजय, वो जो चिट्ठी मिली है जिसमें धमकी है उसमें सबसे पहली लाइन पर अगर हम गौर फरमाएं तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करो और भाजपा कांग्रेस को मार भगाओ, ये लिखा है नक्सलियों ने। लगातार वो चुनाव बहिष्कार की बात करते हैं और इसी को लेकर ये चिट्ठी भी जारी की गई है। जी बिल्कुल, यहाँ दो बातें हैं, एक तो उन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जो नक्सली अक्सर करते आते हैं, इसके अलावा इस इलाके में जो माइन सीटियां हैं जो खदाने हैं उनको लेकर भी नक्सलियों ने यहाँ साफ किया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इन माइन के काम से जुड़े हुए हैं या इन्हें सपोर्ट करते हैं ये उनके लिए भी चेतावनी है। तो ऐसे में ये बात भी देखना जरूरी हो गया है कि जो चारों नेता हैं जिन्हें धमकी मिली है क्या ये जो वहां खदाने चल रही थी उसका कोई लिंक था, और नक्सलियों ने इन्हें जो धमकी दी है उसने साफ कहा है कि यहाँ जो खदान चालू हो रही है उनसे ये नेता दूर रहे। बिल्कुल संजय, और ये जो नक्सलियों की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई है इसके पहले की तस्वीरें भी हमने जब दिखाई थी तो जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने बहुत अच्छा अभियान चलाया था कि जो नक्सली हैं उनकी तस्वीरें जारी की थी और उन्होंने कहा था कि जो अगर उनके बारे में बताएगा तो इनाम भी मिलेगा। अब ऐसे में अब ये चिट्ठी आती है तो इस पर क्या प्रशासन और क्या रुख अपना सकती है, क्या कुछ कार्रवाई, और केदार कश्यप को कब तक जो है वो वहां पर उनको सिक्योरिटी मिलेगी? जी देखिए, लगातार पिछले कुछ दिनों में नक्सली बैकफुट पर हैं, नक्सली पूरे चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल नहीं हुए हैं, और इस बात का हमें सुकून है कि इस बार बस्तर का चुनाव जो है वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा है। हम लंबे समय से यहाँ कवर करते हैं चुनाव, हमने देखा है कि चुनाव में यहाँ खून की नदियां बहती है, ऐसे में इस बार का चुनाव काफी शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा है। लेकिन जब नक्सली ने की धमकी दी है और इससे पहले भी नक्सली पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही राम दुबे की हत्या कर चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता थे, बड़े नेता थे और केदार कश्यप की करीबी थे, तो ऐसे में जब नक्सली ने एक बार फिर से इन चारों नेताओं के नाम से धमकी दी है, अक्सर नक्सली जो है वो उसका नाम लिखकर धमकी नहीं देते, लेकिन इस बार क्योंकि उन्होंने नाम लिखकर धमकी दी है तो ये वाकई गंभीर हो जाता है और प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और ये चारों नेता जो है
हो सकते हैं जल्द से सुरक्षा भी दे दी जाए। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नक्सलियों ने एक चिट्ठी जारी की है जिस पर उन्होंने ये लिखा है, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करो, भाजपा कांग्रेस को मार भगाओ। और ये लिखकर उन्होंने चिट्ठी जारी की और साथ ही साथ केदार कश्यप के जो रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, उन पर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें मारने की धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ रुख अपनाती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन चुनाव का माहौल है और आपको ऐसे में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, तो आपको मध्य प्रदेश के विदिशा लिए चलते हैं, क्योंकि रायसेन में शिवराज सिंह चौहान ने आज नामांकन दाखिल किया है, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता श्याम सिंह तोमर ने। नेता, लोकप्रिय नेता होने के नाते उन्होंने तत्काल सुध ली उस दल की भी जो लगातार नृत्य कर रहा था, हम उनसे जानेंगे। सर आप एकदम रुके, ये दल थोड़ी है, ये मेरी भांजियां हैं। बिल्कुल, ये मामा के लिए आई, मामा के लिए आई, और मामा ने तत्काल, मामा अपनी भांजियों के कल्याण के लिए है, उनकी सेवा के लिए है। सर नामांकन दाखिल हो गया, बड़ी संतोष देख रहा हूँ मैं आपके चेहरे पर, पूरा परिवार आया ना, ये परिवार के साथ होने का सुख। बिल्कुल सर, क्या लग रहा है, आपने आशीर्वाद तो आलोक जी को भी दे दिया, रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो, यहाँ पर क्या रिकॉर्ड टूटने वाले, सब लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये थे शिवराज चौहान जी जो कह रहे थे कि सब लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उन्होंने जो है कहा है ये भी कि ये भांजियाँ हैं, पूरा परिवार है, इस बात की तसल्ली है उनके साथ, और इसी बात का उनके चेहरे पर संतोष भी दिखाई दे रहा है। श्याम सिंह तोमर कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो लंबे समय के बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने नामांकन दाखिल किया। विदिशा से वो पहले भी सांसद रह चुके हैं और अब जब आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो बहुत ही संतोष और खुशी उनके चेहरे पर दिखी। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं विदिशा से ही चुनाव लड़ा था और लगातार अगर मुझे चुनाव लड़ना भी होगा तो मैं विदिशा से ही लड़ूंगा। और आज पहले चरण के मतदान में चार राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान किया है। तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर भजन लाल शर्मा की, जयपुर में उन्होंने वोटिंग की है। दूसरी तस्वीर आपको पुष्कर सिंह धामी की दिखा दे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने उद्यम सिंह नागर में वोटिंग की है। इम्फाल से तीसरी तस्वीर एन बीरेन सिंह की, मुख्यमंत्री मणिपुर के। और चौथी तस्वीर आपको चेन्नई से दिखा रहे हैं जो एम के स्टालिन की है, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। तो चार जगहों के जो मुख्यमंत्री है, चार राज्यों के, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मतदान करने पहुंचे हैं। तो सुबह से लेकर लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है, जो प्रत्याशी हैं वो भी वोट डालने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वो भी वोट डाल रहे हैं, साथ ही साथ जो आम जनता है वो तो पहुंच ही रही है, क्योंकि जनता के लिए ये उत्सव का मौका है, सरकार चुनने का मौका है, अपने मत के अधिकार का उपयोग करने का मौका है। और देश में 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत वोट देने पहुंचे और चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत ने वोटिंग की है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी परिवार के साथ वोट देने पहुंचे थे। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव की तस्वीर भी आपको दिखा दे, हरिद्वार में वो वोटिंग करने पहुंचे थे। छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी वोटिंग करने पहुंचे थे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की तस्वीर भी आपको दिखाएं, बीकानेर में वो वहां मतदान करने पहुंचे थे। गौरव गोगोई कांग्रेस सांसद जोरहट असम में उन्होंने वोट डाला है। तो वही मुख्तार अब्बास नकवी की तस्वीर भी निकलकर सामने आई और उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के रामपुर में वोट डालने गए थे वो। तो ये फिर आठ तस्वीरें आपको लगातार विस्तार न्यूज अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है, अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो भी मतदान करने पहुंचे, एक्टर हो, राजनेता हो, योग गुरु हो, बाबा रामदेव, सभी मतदान करने पहुंचे। और आम जनता के लिए तो ये उत्सव है ही, आम जनता तो लगातार वोट देने जा ही रही है, लेकिन जो दिग्गज कहे जाते हैं, एक्टर्स और जो भी राजनीतिज्ञ हो, वो सब वोट डालने जा रहे हैं। और ऐसे में ये आठ तस्वीरें, क्योंकि जनता का दिन है। और मोहन भागवत की ये तस्वीर नागपुर से, उनके बगल में जो तस्वीर है वो रजनीकांत की तस्वीर है, वो भी वोट डालने गए थे। नितिन गडकरी, बाबा रामदेव, कमलनाथ छिंदवाड़ा में वोट डालने गए थे। यहाँ से नकुलनाथ जो है उनके बेटे हैं और वो प्रत्याशी भी हैं, तो वो भी वोट डालने गए थे। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा मत क्योंकि विस्तार न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। एक बहुत बड़ा दिन है, पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है,
वोटिंग का दौर जारी है। ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं। आज तक जितना वोट में नहीं जीता उतना वोट में मैं जीतूंगा। 7 बजे से मतदान हो रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं उन मतदाताओं के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। बारा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी।